नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, हमें इस टाइम अपने होटल में देख सकते हैं और हम जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि हम श्रीनगर से या फिर डल झील से गुलमर्ग कैसे जाएँ, वो भी सस्ते सस्ते केवल 200 रुपये में। दोस्तों, केवल आपको दोस्तों 200 रुपये में आपको हम गुलमर्ग घुमाना चाहते हैं। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम हूँ मैं अपने होटल में और आपको आज मैं गुलमर्ग घुमा के लेकर आता हूँ। दोस्तों, आपको केवल 200 रुपये में डल झील से या फिर श्रीनगर से गुलमर्ग कैसे जाएं, वो सस्ते सस्ते केवल 200 रुपये में हम आपको आज दिखाने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि बहुत से यात्रियों का सपना होता है कि हम गुलमर्ग या सोनमर्ग कैसे घूमें, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बजट होता है। लेकिन आपको गुलमर्ग केवल डल झील से या श्रीनगर से केवल 200 रुपये में हम आपको गुलमर्ग घुमाते हैं। दोस्तों, आओ चलते हैं। दोस्तों, हम अपने होटल सिस्टम बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलते ही ये गेट नंबर 2 है। दोस्तों, गेट नंबर 2 है। यह है दोस्तों डल झील, जिसे डल लेक भी कहते हैं। यह डल लेक है दोस्तों। ये मेन मार्केट है डल झील की, डल लेक की। दोस्तों, गेट नंबर 2 की तरफ दोस्तों। आपको दिखाते हैं कैसे हम डल झील से या श्रीनगर से गुलमर्ग हम कैसे जा सकते हैं, वो भी तो हम 200 रुपये में। दोस्तों, अगर आप टैक्सी करके ले जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 2500 रुपये में यहाँ से गाड़ी मिलती है। दोस्तों, ये है मेन चौक। दोस्तों, अगर आप गुलमर्ग जाते हो तो आपको सबसे पहले बात बता देता हूँ, ये है चौक, मेन चौक है ये, देख सकते हो जहाँ आपको आना है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा होटल मिलेंगे। ये मेन चौक है डल गेट का।
ये रोड है, अगर आप इधर साइड जाते हो तो आप सीधे जाओगे सोनमर्ग की तरफ दोस्तों, ठीक है। ये सोनमर्ग की तरफ रास्ता जाता है और आपको इसी तरफ जाना होगा। ये सामने देख रहे हो, ये है मेन हाईवे जम्मू से आता है, उसी तरफ से आपको गुलमर्ग की तरफ गाड़ी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। एक बार और दिखा देता हूँ, ये मेन चौक, और मेन चौक से डायरेक्ट सामने जो जम्मू से गाड़ी आती हैं वो आपको गुलमर्ग लेकर जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और जब आप जम्मू की तरफ से सीधे आओगे अंदर के लिए तो बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है आपका ये सोनमर्ग के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलो चलते हैं, दिखाते हैं, बैठ चुके हैं डल झील से मंडी के लिए। आपको सबसे पहले डल झील के लिए बैठना होगा, डल झील से मंडी के लिए दोस्तों, या तो मंडी के लिए बैठ जाएँ, और अगर आपको डायरेक्ट मंडी के लिए बस नहीं मिलती है तो आप मड मालू के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बस हैं वो आपको मंडी ही छोड़नी है। मुझे बस नहीं मिली थी इसलिए मैंने ये रिक्शा कर लिया जो मुझे केवल 100 रुपये में मंडी छोड़ देगा दोस्तों। और मंडी से आके मुझे जाना है डल मालू, डन मालू दोस्तों, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आप डल झील से या फिर श्रीनगर से आपको जाना है सबसे पहले मंडी, मंडी से टनमर्ग, और टनमर्ग से आपको जाना गुलमर्ग दोस्तों। इसलिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मंडी। बस स्टैंड इस रिक्शे वाले ये ऐसा कुछ स्टैंड है जहाँ से आपको टनमर्ग के लिए मिल जाएगी। जो आप सामने गाड़ी देते हो ये गाड़ी स्टैंड जाती है टनमर्ग के लिए। इस गाड़ी वाले ने मुझसे लिए थे केवल 50 रुपये टनमर्ग के लिए दोस्तों, केवल 50 रुपये टनमर्ग दोस्तों। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा टनमर्ग के लिए दोस्तों, केवल मुश्किल से 13-14 किलोमीटर है यहाँ से टनमर्ग दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्टैंड टनमर्ग दोस्तों, ये मेन बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है टनमर्ग दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो या फिर आप सेल्फ टैक्सी से भी आ रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, आपको बहुत सारे गाइड ऐसे मिलेंगे जो आपको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठेंगे और आपसे कहेंगे कि आप जो सुनो वाले जूते होते हैं उन्हें दे लो, उसके बिना ऊपर एंट्री नहीं है। और एक कोट आता है वो कोट भी लाना जरूरी है, उसके बिना एंट्री नहीं है। आप घबरा जाओगे जब वो कहेंगे आपसे कि इन दो चीज़ों के बिना आपको ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी तो आपको मजबूरी में जाना होगा दोस्तों। ऐसी कुछ बात नहीं है, आपका अगर आपके पास सर्दी के बढ़िया जूते हैं, ठीक है, और सर्दी के बढ़िया कपड़े हैं आपके पास, तो आपको कोई भी कुछ नहीं है। देख सकते हैं ये इशारा कर रहे हैं कि आप आगे कहाँ चाहिए, कहाँ जाने के बाद में आपको कपड़े लेने हैं दोस्तों। सुनो है ना, यहाँ तक सुनो है, कैर पे कितने रुपए मिलते हैं? जैकेट, जैकेट ले लो, उसके बिना अलाउ नहीं है ऊपर? नहीं सर, तो हो नहीं सकता अलाउ ना हो। अब देखो ना पहले ये लगा ना, ना मैं अभी सोनमर्ग से आया हूँ, इनसे जाता हूँ, खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं उसके बिना जाना पर ये शूज में जाओगे गुलमर्ग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गीला हो जाएगा, एक घंटा भी नहीं टिक पाएगा यार, गीला हो जाएगा फिर का वापस आ जाएगा। समर में नहीं इधर चलता है ब्रदर मेरे, जो भी लोग आते हैं वो पहन के ही जाता है। खाली जूते फुल ड्रेस, फुल ड्रेस प्लीज है, और खाली शूज, शूज मिस्टर रखे 150 150 150। देख सकते हो दोस्तों वो ऐसा आपको पागल बनाते हैं दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लें, अगर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना लें। जो आप ये देख रहे हैं ये मैग स्टैंड नहीं है, आपको थोड़ा अंदर जाना होगा। ये देख सकते हैं ये जो गाड़ी खड़ी है आगे चल के बहुत बड़ा स्टैंड है, आपको आराम से यहाँ से गाड़ी ही गाड़ी मिलेंगी। आप जाइए, अगर आप सिंगल हैं तो आपको आराम से गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से केवल 100 रुपये लेते हैं आपको टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए दोस्तों, ठीक है, गुलमर्ग के लिए, टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए 100 रुपये लेते हैं। आप आगे को जाइए और आप जो सैड टैक्सी लगी होती हैं वो आपको आराम से छोड़ देंगे। अगर आप पूरे ग्रुप के साथ आई हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो आप किसी के बहकाएँ बिल्कुल बनाएँ कि सिंगल बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। इसलिए आप सैड टैक्सी में जाएंगे दोस्तों, और सैड टैक्सी के 100 रुपये हैं आगे चल के। जैसे आप देख सकते हैं ये कितनी सारी टैक्सी खड़ी हैं, और हाँ सैड टैक्सी वाले आपको गुलमर्ग गुलमर्ग के
जो भी है वो कहते रहते हैं कि गुलमार्ग वाले आइए आइए, वो आपको आराम से बैठा के ले जाएंगे और 100% आपसे लेंगे दोस्तों। अब हम जा रहे हैं टनमर्ग से गुलमर्ग दोस्तों, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है दोस्तों। अब उनके ड्राइवर बता रहे हैं कि इससे आगे आपको और ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिल सकती है, गुलमर्ग पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है दोस्तों। आप आनंद लीजिए जब तक हम गुलमर्ग पहुँचते हैं गुलमर्ग दोस्तों। सामने आप गुलमर्ग देख रहे हो, ये बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड कह सकते हो। आपको बस स्टैंड पर टॉयलेट मिल जाएंगे, ये खाने पीने की और इमरजेंसी सर्विस देख सकते हो, ये सब होटल है, ये गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड है दोस्तों। ये दुकान है खाने पीने की, कपड़े की भी दुकान है, होटल भी हैं, हर चीज़ की सुविधा ये है गुलमर्ग। आपका स्वागत है गुलमर्ग में। आपको जहाँ जहाँ घूमना है हर चीज़ उसमें वेलकम गुलमर्ग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गुलमर्ग का तो। बहुत ही खूबसूरत, केवल 200 रुपये में मैंने आपको पहुंचा दिया है गुलमर्ग दोस्तों। क्या खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, देख सकते हो यह है गुलमर्ग। आप एक बार जरूर आइए। कितना खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। बहुत से यात्री सोचते हैं कि गुलमर्ग बहुत महंगा है, लेकिन कुछ महंगा नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं गुलमर्ग में कितनी बर्फबारी है। अगर आप आते हो गुलमर्ग तो आप जैसे ये लोग कर रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, उनका सबका अलग अलग प्राइस है, ठीक है दोस्तों। हाँ, हर चीज़ आप खेल सकते हो, ठीक है, हर चीज़ की आपको व्यवस्था मिलेगी, जो आप करना चाहते हो वो हाँ कर सकते हो। अगर आप हेलीकॉप्टर से राइड भी लेना चाहते हो तो आप हेलीकॉप्टर की राइड ले सकते हो दोस्तों। आपको हर चीज़ की आप वहाँ सुविधा, देख सकते हैं कितनी पब्लिक मौज मस्ती करने के लिए आई है दोस्तों। आगे देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है जो हम गुलमर्ग में
बर्फबारी देखने के लिए और आनंद लेने के लिए। अगर आप आ रहे हो तो आप देख सकते कितनी बर्फबारी है। जूते जरूर ले लें जो बर्फबारी वाले होते हैं। हेलो दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को टेलीग्राम पर देख रहे हो, अगर आप सोनमर्ग या गुलमर्ग आना चाहते हो तो आप आराम से आ सकते हो, और अगर आप पूरे सीजन की गुलमर्ग और सोनमर्ग और श्रीनगर की आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल संजीव ट्रैवल ब्लॉग पर जा सकते हो। दोस्तों इस टाइम हूँ मैं गुलमर्ग में, देख सकते हो कितनी इस टाइम बर्फबारी है। आप अगर हाँ इंजॉय कर सकते हो, वेलकम गुलमर्ग। दोस्तों अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो श्रीनगर से या फिर डल झील से, तो आपको कैसे आना वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आना होगा बटमालू दोस्तों, ठीक है। बटमालू के 20 रुपये लगते हैं, आप 20 रुपये में आप बटमालू आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट श्रीनगर से या फिर आपको डल झील से मंडी के लिए गाड़ी मिल जाती है तो और बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट बटमालू आ जाइए, ठीक है। जैसे ही आप बटमालू उतरोगे तो आपको डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी आपको टर्न मार्क के लिए, ठीक है दोस्तों, टर्न मार्क के लिए। और जैसे ही आप टर्न मार्क आओगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी गुलमर्ग के लिए दोस्तों, ठीक है। आप कोई भी टैक्सी ना लें, अगर आप टैक्सी लोगे तो आपके 4 से 5 हज़ार आपको लग जाएंगे। इसलिए आप हमेशा जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही आएँ। सबसे पहले डल झील से या फिर श्रीनगर से आपको आना है बटमालू, ठीक है दोस्तों। या तो बटमालू आइए या फिर मंडी आइए, इनमें से आपको कोई सी जो गाड़ी मिल जाए इसमें आ जाइए। उसके बाद में आइए आप टर्न मार्ग, ठीक है, टर्न मार्ग दोस्तों। और टर्न मार्ग के बाद में आपको आना है गुलमर्ग, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जैसे ही आप टर्न मार्ग उतरोगे आप, ठीक है, तो आपको बहुत से ही जो टैक्सी वाले हैं वो आपसे कहेंगे कि यहाँ से कोई भी शेयर टैक्सी नहीं जाती है, आपको गाड़ी बुक करनी होगी और आपको पूरा कोट लेना होगा, स्नो वाला, और जूते लेने होंगे। वो आपसे बहुत ज़्यादा ठगी कर सकते हैं, इसलिए आप इनकी बेकाय में बिल्कुल भी ना आएँ। आप सबसे पहले जैसे ही आप टर्न मार्ग उतरोगे तो थोड़ी दूर जो आपका बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड है दोस्तों, वहीं पर आप पूछ लेना कि सैर टैक्सी कहाँ से जा रही है, ठीक है दोस्तों। और आपको सैर टैक्सी में 100 रुपये पर पर्सन, ठीक है, उससे भी कम में लग जाता है और आराम से आप आ सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता, केवल 200 रुपये में आप गुलमर्ग घूम सकते हैं। 200 रुपये आने के और 200 रुपये जाने की 400 रुपये में आपका बहुत आराम से हो जाएगा दोस्तों। आप हमारे इस सीरीज का आनंद लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने होटल पर। दोस्तों ये देख सकते हैं डल झील है, हम जा रहे हैं अपने होटल। हमने गुलमर्ग की पूरी यात्रा कर ली है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये यात्रा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।